घाटशिला से बुरी तरह झुलसी अवस्था में एक महिला को एमजेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला का नाम हीरा मोती है और वो बुरी तरह झुलस चुकी है। वो इस हादसे का शिकार कैसे हुई, इस पर उसके ससुराल पक्ष पर संदेह जाता है। उसके परिजन जो कहानी बता रहे हैं वो किसी और तरफ इशारा करती है। पैसा लेके भाग, हम लोगों को बोलना चाहिए कि पैसा लेके भाग गया बोलकर। हम लोग तीन तो बुआ सामने सामने है, उधर एक तो बुआ है, हम थोड़ा दूर पोटका तरफ में रहते हैं। हमको बोलेगा कि बुआ पैसा मेरा वो लेके भाग गया है। कहाँ भाग गई थी, कहाँ बोल रहा था भाग गया? वो तो मतलब सुबह को फोन किया था ना, वो बोल रहा है कि नहीं लेके भाग गया पैसा, और उसका मायके भाग गया। और मायके आते ना? और मायके नहीं आया, उसी का घर में था। वो लोग बोल रहा था कि सामान उमान खरीद लिया, तो सामान उमान नहीं खरीदा। क्या लगता है कि कौन वाला ये क्या लगता है कि झूठ बोल रहा है? वो लोग झूठ बोल रहा है, हमको तो लगता है कि वो लोग जला दिया। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। रविवार को वट सावित्री की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर महिलाएं व्रत रखती हैं और पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। अपने पति की जान की रक्षा के लिए यमराज जी से भी लड़ गई थी, बस उन्हीं के नाम से ये व्रत किया जाता है। बस लंबे आयु के लिए किया जाता है पूजा पर सावित्री। और क्या बोले हम, बस सुनो श्रृंगार करके आके बड़ी श्रद्धा से ये पूजा करते हैं। ये किनका पूजा? ये है सावित्री और सत्यवान की पूजा होती है। ये परंपरा चालू कहाँ से? ये जब सत्यवान की जब प्राण निकल गया था तो सावित्री है ना यमराज से जा करके अपने पति का आयु ले करके आई थी। उसी समय से जेठ के अमावस्या को ये व्रत किया जाता है। सावित्री का पूजा चल रहा है, इसमें हम लोग वट सावित्री के आज के एक दिन पहले नहा के खाते हैं। उसमें नहा के खाना होता है जिसमें लहसुन प्याज नहीं खाना है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो इसलिए पहली बार करने के लिए मीठा खाना होता है एक दिन पहले भी। और आज पूरे दिन फास्ट में रहना है, फिर यहाँ पे आके पेड़ के नीचे वट पेड़ के नीचे पूजा करना है। इसमें एक गौरी पूजा होता है, मेन गौरी का महत्व होता है जो पति के लिए किया जाता है। और वो सूता जो बांधते हैं हम लोग, वो सूता सात बार बांधा जाता है घूम के, फिर गौरी पूजा के टाइम पे गीत गाया जाता है। इसके लिए पंखाओं का ओढ़ना पड़ता है वरगाछ को, और पति का लंबी उम्र की भी कामना करते हैं। पंखा लाया जाता है, ब्लाउज का पीस दान करना पड़ता है, श्रृंगार का सारा सामान वही वरगाछ का पत्ता पानी लगाया जाता है। ये हम लोग वट सावित्री की पूजा कर रहे हैं, इसमें कुछ श्रृंगार के सामान दान किए जाते हैं। ये व्रत पति के लिए होता है, पति की लंबी उम्र के लिए, वो मैं आज पहली बार कर रही हूँ। ये सारा दिन व्रत किया जाता है, शाम को पूजा करने के बाद फिर एक बार खा लेते हैं। CII जमशेदपुर चैप्टर ऑफ नेपाल के भूकंप पीड़ितों के लिए रॉक बैंड का आयोजन किया गया एवं लोगों से सहायता राशि इकट्ठा की गई। इसका आयोजन यूनाइटेड क्लब में हुआ। ये YII जो CII का एक पार्ट है, यंग इंडियंस, उसका जमशेदपुर चैप्टर एक रॉक शो ऑर्गेनाइज कर रही है जिसमें लोग वॉलंटरी डोनेशन दे रहे हैं। टिकट का कुछ प्राइस नहीं, इट इज़ ओनली फॉर क्लब मेंबर्स, बट लोग आए, उनको शो अच्छा लगे और उन लोग अपने फ्री विल से जो भी नेपाल के लिए डोनेट करना चाह रहे हैं वो डोनेट करें। ये पैसा सीधा CII के थ्रू नेपाल में जाएगा रिलीफ एफर्ट्स के तहत। वहीं दूसरी ओर मिलानी हॉल में ताल नामक संस्था द्वारा ऑडिशन का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में कलाकारों ने भाग लिए। इसका फाइनल 7 जून को लॉयला मैदान में होगा।
रामदास भट्टा गुरुद्वारा में रविवार को भजन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 40 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। विजेताओं का फैसला 4 नियुक्त जज करेंगे। कांच उसमें हम लोग बनाए हैं माता जी के, माता पानी जीता माता अमृत देता है, ऐसे करके 5 जथे बनाए हैं, जिसमें सुखमनी साहब की शुद्ध वाणी हम लोग सुन रहे हैं। इसके लिए 4 हम लोग जज को चुने हैं, जिसमें उसका नाम है सुनारी गुरुद्वारा की प्रधान सुरजीत कौर, चुकसलाई से सतवंत कौर, और यहाँ के वजीर गुरुद्वारा की ग्रंथी साहब मनजीत सिंह, और यहाँ कृष्णपुर में रहने वाली परमजीत कौर। ये कंपटीशन में कितने लोगों का चयन हुआ है, कितने लोग चुने गए? 40 जन हैं, इसमें से अभी चुनने हैं, जिसके 18 तारीख प्रश्नोत्तरी द्वारा उनको हम चुनेंगे, उसके बाद 19 तारीख में उसके पास सेकंड थर्ड।